वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा, ये हमारा सोयल मिक्स है, राइस हस्क, बिग बाइट्स और काउडंग मैनर और लीफ मॉल्ट सब मिला के मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो आज इस प्लांट को रिपोर्टिंग करेंगे क्योंकि यहाँ स्प्राउटिंग चालू हो गया है। तो इसको निकाल के हम नए पॉट में ले लेंगे। ये ज़मीन में ही मैंने इसको रिपोर्ट किया था पिछले साल, यानी कुछ ट्रिमिंग करके। तो ये ले लिया है मैंने प्लांट को हमारे पॉट में और रिपोर्टिंग कर दिया है। तो हमारा ये सोयल मिक्स का रिजल्ट हम चेक करेंगे। देखिए ये स्प्राउटिंग चालू कर दिया है, रिपोर्टिंग बार का पहला अपडेट है। तो ये ब्रेक बाइट्स का इस्तेमाल क्या कर सकता है, देखिए दोस्तों, ये दो दिनों से पानी नहीं दिया होगा, कल भी नहीं दिया था, कल मैं यहाँ आया था गांव। तो देखिए ये अंदर से ग्रीन है अभी भी मिट्टी, और आज या दो दिन भी पानी ना दे, भले ही अभी हीट वेव है, ये स्टेबल है दो चार दिनों के लिए या एक हफ्ते तक भी प्लांट इस सॉइल मिक्स में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि ऊपर से सूखा दिखेगा पर ये मॉइस्चर होल्ड करके रखता है ब्रिक बाइट्स, और सुबह में मॉइस्चर रिलीज होता है तो प्लांट की इम्यूनिटी बनी रहती है दोस्तों। और रिपोर्टिंग के बाद का ये ग्रोथ है, देखिए इस तरह का। और ये ब्रांच हमने सेक्रीफाइस की थी, इसकी वजह से यहाँ देखिए ये ग्रोथ मिला है। अगर ग्रोथ कर रही है ब्रांच तो इस तरह के स्ट्रेच मार्क दिखाई देते हैं दोस्तों। अगर इस तरह से स्ट्रेच मार्क दिखते हैं तो प्लांट ग्रो कर सकता है। न्यू ग्रोथ में मैं अब ट्रिमिंग कर दूंगा, यानी पिंचिंग भी कह सकते हैं, चार पत्तों के बाद। तो हर फाइकस के लिए थोड़े बहुत अलग रहते हैं, और ये शॉर्ट ओवल की तरह होते हैं इस प्लांट के लिए, और कभी कभी इस तरह कलर भी दिखाते हैं। तो वायरिंग किया नहीं है अब तक इस प्लांट में, क्योंकि ये घर पे रहता है और मैं वर्क प्लेस पे। तो ये क्लिप एंड ग्रो मेथड से ही ग्रो हो रहा है, जब भी आता हूँ उसको ट्रिम कर देता हूँ। ये बैक बड निकाल रहा हूँ, पिछली बार के जो कुछ भी बाकी हो वो, अनवांटेड ब्रांचें नहीं रखनी है, तो ये इस शेप में आ जाता है इस तरह से। देखिए ये एक तरह स्लांटिंग की तरह है, और अभी तो ये रहेगी सेक्रीफाइस ब्रांच, बाद में उसको कट करेंगे। और यहाँ पहले से ये सब ग्रोथ है, तो ये ब्रांच मैं आज निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अनवांटेड ब्रांच भी दिखेगी जो कि बेसिक ब्रांच है दोस्तों, जिसको हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो हम ये सारे जो लंप है उनमें कहीं दो ब्रांच या तीन ब्रांच रख के उसके साथ चल सकते हैं, बट ये कुछ अम्ब्रेला स्टाइल की तरह भी मैं रख लूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ख़ास बात थी उसके सोयल मिक्स के बारे में, हमारे सोयल मिक्स में, जिसमें आप तीन चार दिन पानी ना दे, भले ही 40 डिग्री से ऊपर हो, प्लांट सर्वाइव कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।